हाँ जी, सब तो पहला नव भाई सारी टीम नू बहुत बहुत मुबारक। 6 साल का तुम वेट करवाया, बिकॉज वो वेट भी वर्थ है, बिकॉज इन्ना खूबसूरत ट्रेलर असं देखे। 6 साल की मेहनत सारी टीम की, थोड़ी सारी मेहनत रंग लेके आई है। सो एक बार वो जोरदार ताड़ियाँ यार प्लीज़ एवरीवन, सारे जोरदार क्लैप। ओके सो हम आप स्टार्ट करा। सो मेरे ना मन च एक चल रहा है, आप नॉर्मल क्वेश्चन आंसर करते हैं, नॉर्मल गल्लां करते हैं, बट आप एक चीज़ करनी थोड़े तो स्टार्ट करा। तो थोड़ा जो डायलॉग है, हर किसी ने अपना अपना डायलॉग बोलना मूवी का, आप सीन एक्ट करना इतने, एंड उस तो बाद आप अगे दल कंटिन्यू करेंगे। ओके यस, सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द राइटर एंड द डायरेक्टर ऑफ द मूवी नव बाजवा। सो एक बार जोरदार ताड़ियां नव भाई प्लीज एवरीवन। सो आई थिंक मैं खली साहब नाल शुरू कर सकदा। बिल्कुल सर, एक सीन करना परफॉर्म, आइए सर, ये लीजिए माइक, आइए सर, खड़े होकर करते हैं। नव भाई हुने डरन लग गए देख। हाँ जी, इधर मेरी तरफ से देख, लड़को देख। एंड आई एज अ डायरेक्टर भी मेनू काम करना है। सो एंड एक्शन। अजीतगढ़ के किले पर सिर्फ और सिर्फ मेरा झंडा ले रहेगा। खान साहब, मैं तो छोटा जा बच्चा थोड़े सामने सर, आप एक काम करते हैं, ऐतकी तुसी वापस चल जाओ, हिस्ट्री च वेख लिखा, अगली बार पक्का जीतोगे सर। ये कोई मैटर नहीं करेगा सर जी, 22 तारीख नु मूवी है, रुको 22 ए 22 नु पता लग जूगा, ए 22 नु पता लग जू सर, दो चार बंदे होर चाहिए ने। देख लो थोड़ा सा निशान आ गया, लाली चढ़ गई, शूटिंग करते हुए तो मैं वॉल नहीं लानी पई सी। क्या बात है, यस बहुत खूब, यस नव भाई प्लीज कंटिन्यू। थोड़ा भी कोई गलियां दा डायलॉग है जी, वो भी मैं जरूर सुनना चाहूंगा। सो मैं असी 2018 जो फिल्म बनाई सी, तो असी एक गलती दे नाल एक रेडियो तो टाइम मशीन बनाती सी, और कुगी पाजी, मैं, शर्मा जी, सतिंदर सत्ती जी, असी चारों ट्रैवल कर गए सी 1955 च, और फिल्म का एंड होया सी 2255 च, जिथों एग्जैक्टली ये फिल्म शुरू हुई है। सो उस सारे नू मैं ऐतकी भी डायलॉग बोलिया है कि जो गलती आप 1955 ते 2018 च कीती सी, वो सानू दोबारा करनी पएगी, सानू ये टाइम मशीन दोबारा अपनानी पएगी, पर एक सही तरीके नाल। सो दिस इज बहुत खूब, बहुत खूब। बाकी फिल्म के बारे गल करा तो हाँ, तुसी ठीक किया जी, 6 साल लग गए इस फिल्म नू बनने, बहुत ही VFX बहुत काम होया VFX के उत्ते, स्टोरी ते बहुत काम होया डिटेल, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ VFX बेस्ड नहीं है, ये फिल्म स्टोरी बेस्ड भी है। जो तुसी ट्रेलर भी देखोगे तो चार किरदार स्टोरी दे विच किवें किवें अगे जा रहे ने, और उन्होंने नवे किरदार मिल रहे ने। सो मैं कोशिश की है कि सच्चाई नू, हिस्ट्री दी सच्चाई नू इहदे विच ऐड कर सकां, जो लोगों सिनेमा घरां दे विच देखण नू मिलेगी, बच्चे बहुत इंजॉय करनगे इस चीज़ नू। खली साहब हैगे ने, बाकी सारे आर्टिस्ट ने, कॉमेडी भरपूर है, और एक सिनेमा नू एक अलग लैवल दे उत्ते लैके जाण दी कोशिश की है कि साडी फिल्मां पंजाब विच जो बनदियां ने वो कंपीट कर सकन साउथ इंडियन नैशनल फिल्म्स नाल, साउथ इंडियन फिल्म्स नाल, या हॉलीवुड फिल्म नाल, कोई किते भी बैठा होया वो ये कह सके कि हाँ यार एक पंजाबी फिल्म है, वो जी भी है। सो दैट वाज माय एम टू क्रिएट इट, और दिन रात लग गए, मेहनत बहुत ज़्यादा की है। आई थिंक माय फादर इज़ ऑल्सो हेयर एंड ही नोज माय हार्ड वर्क, कि राती दो दो तीन तीन बजे तक मैं जो VFX करके वापस आता सी, तो सवेरे फिर 8-9 बजे स्टार्टअप करना होता सी, और उधर रिजल्ट थोड़े सामने है। बिल्कुल, एंड रिजल्ट बहुत खूब दिख रहा है, सो दे लिए भी जोरदार ताड़ियां प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। यस, हुण ओवर टू ग्रेट खली सर। सो सर, किवें दा रहा मूवी दा एक्सपीरियंस पूरा, एंड इस ट्रेलर दे विच तुहाडा सानू करैक्टर देखण नू मिल रहा, वो भी बहुत खूब है, एंड नव भाई दे नाल एंड सारी टीम दे नाल काम करके किवें दा लगे? मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है, और मैं ये जो फिल्म से मैं दूर रहता हूँ, और भी मेरे को बहुत बार ऑफर आई है, मतलब काफ़ी बार ऑफर आई है पंजाबी की, हिंदी की, पर लेकिन जो मेरे को नव भाजवा की जो ये फिल्म बनी, इस पर जो स्टोरी उन्होंने मेरे को एक्सप्लेन करी, और मेरे को बड़ी अच्छी स्टोरी लगी कि भाई बहुत सारे जो इस पर इस फिल्म पे काम कर रहे हैं और बड़े बड़े स्टार काम कर रहे हैं, स्टोरी बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलो मैं भी कर लेता हूँ। और इससे अच्छा जो इनका जो एक बात करने का तरीका, और एक पोलाइटली, मतलब कि भी आप एक बार इस फिल्म पे काम करिए, यू नो, सो
इनका जो एक प्यार है, तो इस फिल्म पे आया हूँ मैं और बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ही एंजॉय किया सेट पे भी। और इतना बड़ा स्टार है लेकिन हमेशा डाउन टू अर्थ जी करके बात करना, सो किसी भी कोई भी सेलिब्रिटी है उनको बस एक ही ये चीज़ है कि भी मतलब कोई मेरे से मेरा ईगो ऊपर रखे, और ये हमेशा मतलब अपना ईगो बिल्कुल इन्होंने बहुत बड़ा स्टार है लेकिन मतलब अपने आप को कभी स्टार नहीं समझता। और मेरे को लगता है कि जो फिल्म है बहुत ही हिट जानी है, लोगों को बड़ी पसंद आनी है, सो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा इस फिल्म पे काम करके। तली साहब वास्ते मैं एक चीज़ दस देना जी, एक्चुअली जदों असी सारे छोटे सीगे जदों पहली फाइट सर थोड़ी अंडरटेकर दे नाल आई सी, आई थिंक 2006 दी गल है सर, हाँ 2006। और असी सारे मैनूं लगता कोई ऐसा इंसान नहीं जिन्हें घर दे विच WWE ना कीती होए अपने बैड के उत्ते भैन भरावों के नाल। सो मैं बहुत बार द ग्रेट खली बनया सर अपने बैड से, आई एम द ग्रेट खली। एंड सानू ईजी भी सी बहुत कर रहे हैं, दो चार इन्हें जेडे इन्हें सिग्नेचर मूव से, एक तो इन्होंने वाटरमेलन लैके वो किया क्रश, एक एक जो ए जे करके मारते सके, बस उ जे ग्रेट खली बन गया दैन अपने आप के कुछ अचीव कर लिया। वॉट हम्बल इंसान सर, मतलब तुम 12 घंटे शूट करवाओ सर ने एक शब्द नहीं बोलिया, सो दिस इज हैट्स ऑफ टू हिम, क्लैप फॉर द ग्रेट खली, जोरदार तालियां प्लीज खली सर, थैंक यू सर, क्या बात, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस नाउ ओवर टू गुरप्रीत कुकी भाजी, भाजी आ रहा माइक, हाँ जी। सो भाजी बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत मुबारक। सो 2018 के भी तुम ये फिल्म के पार्ट से, हूँ इस फिल्म के भी इन्ना इंपोर्टेंट थोड़ा करैक्टर है, एंड किवें दा एक्सपीरियंस रहा टाइम ट्रैवल इस मूवी के भी तुम्हें किया, सो की सानू नवा देखने को मिलेगा? मैं सब तो पहले सारे नु सत श्रीकाल जी, सिर्फ फिल्म का एक्सपीरियंस नहीं, मैं ओवरऑल पंजाबी सिनेमा के एक्सपीरियंस की गल करदा। जदों मैं करियर शुरू किया अपना 2002 दे विच फिल्म शुरू की सी मन जी ने जी आया नू, उदों 12-14 सिनेमिया च फिल्म लगती हुंदी सी, बड़ी वड्डी गल लगती सी। मैं सिनेमे नू ग्रो करदिआं देखिया, सिनेमा वड्डा हुंदा देखिया पंजाबी दा, पर इस सारी जर्नी दे विच एक चीज़ मिसिंग सी, वो सी एक जॉनर जिहड़ा साइंस फिक्शन वाला, क्योंकि वो कोई सोच भी नहीं सकता कि पंजाबी साइंस फिक्शन भी बनाई जा सकती या बनानी चाहिदी है, क्योंकि साडा जड़ी पहली चॉइस हुंदी है वो है कि भी मार ताड़ देखो। पहले पता पंजाबी फिल्मां पुरानियां आंदियां हुंदियां सी, वो एक्टरां दे नाम लिख के थले लिखिया हुंदा सी मार ताड़, वो नाल लिखिया हुंदा सी किन्ने कीती है, वो बग्गड़ साहब है ना, मार ताड़ गुरबचन है ना, इदा नाँ लिखे होंगे सी कि लोग ये शब्द पढ़ के चले जाते कि फाइट बहुत है ये विच। और जागीरदारा वाली फिल्मां, जागीरदारा तू मेरी भैन राह च रोक के फिके खरबूजे खवाना, तेनों खूह वाली टाली नाल बन के मार देंगा, वो कहना कि टाली नाल बन के मारन की गल करना, वो टाली तो मेरे बापू ने कल दी विड़ा छड़ी है। सो कहन दा मतलब कि वो जॉनर ही वखरा सी, वो अलग दुनिया सी, कोई वो एग्जिस्ट नहीं सी करती, पर फिर भी देख के चंगा लगता सी क्योंकि एक दूजे दियां लत्तां भांदे हुंदे सी उहदे विच। फिर लोगों का माइंड सैट चेंज होया, वो मन जी ने माइंड सैट चेंज किया भी लड़ो झगड़ो ना, परिवारक फिल्मां दिखाओ, फैमिलीज़ की टुगैदरनैस से जी आया नूं, असां नूं माण वतना दा, यारां नाल बहारां, दिल अपना पंजाबी मिट्टी वाजा मार दी, वो सिनेमा आया। उस तो बाद कॉमेडी का दौर शुरू होया, बड़े साल कॉमेडी का दौर चलिया। फिर आपां पुराने समयां 'च जाण लग गए, 1960 दे पिंड दिखाउण लग गए सारा कुछ, पर एक जॉनर जिन्हों कदे किसी ने हाथ ही नहीं सी पाया वो सी साइंस फिक्शन। और लगता सी भी साडा तां साइंस फिक्शन दा कोई लैण देण ही नहीं, पर नहीं लैण देण है। जे असी वर्ल्ड दे विच संसार दे विच अपने सिनेमा नूं उस पद्धर ते लै के जाणा है तो वी कैन नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्नड, सानू हर एफर्ट करनी पएगी। वो जड़ी हिम्मत की नव ने 2018 च असी बनाई सी रेडुआ, वो देसी साइंस फिक्शन सी, असी पता नहीं गोहे दियां पातियां तो भी कुछ बना लिया सी उहदे विच। उस देसी साइंस फिक्शन का कारण यह सी कि एक रस्ता बनाया जाए उधर नू जाण दा, आउणा इत्थे तक सी। जदों तुहाडे कोल फंडिंग होवे, लोग तुहाडे ते ट्रस्ट करन, तुहाडे नाल चलन,
ते आज एक नवा जॉनर देता पंजाबी सिनेमा नू। मेरी गल याद रखियो, आज तो बाद 10 प्रोड्यूसर शुरू होणगे जिहड़े साइंस फिक्शन बनाउणगे, ये गल याद रखियो। क्या बात। सो ये बहुत वड्डी अचीवमेंट है। और जिदा बाकी सारे आर्टिस्ट असीं रोज़ काम करते हैं कट्ठे, खली भाजी नू लैके आउणा ये भी अपने आप च एक बड़ी वड्डी गल है। सिनेमा दे विच इस कद बुत दा बंदा दिखाउणा, इन्हां दा कद बुत जो अपनी हाइट है वह तो है ही है, पर इन्हां दी परसनैलिटी दी हाइट इन्हां तो भी ज़्यादा उपर है संसार च, वर्ल्ड दे विच इन्हां दा नाम है। अज कद दी तां गल छड्ड दो, कद तो खैर मैं बहुत पुराना भाजी नू जाणदा। एक दिन असीं जलंधर सब्जी मंडी चले गए कट्ठे, असीं उदों सैर सूर भी कर ली दी हुंदी सी जलंधर। एक जाके मंडी च पुछी जाण कहिंदे आ निंबूआं दा की रेट है, वह कहिंदा भाजी बह के वेखो संतरे ने। सो वो कद दी तां गल छड्डो तुसीं, इन्हां दी परसनैलिटी दी हाइट इस वेले इन्नी है कि सारा संसार इन्हां नू देखदा। उन्हां दा पंजाबी सिनेमे च आउणा शुभ शगन है। सो मैं सारी स्टारकास्ट नू जिथे मुबारकबाद दिंदा कि तुसीं एक नवें सिनेमे दा हिस्सा बनन जा रहे हो, उत्थे प्रोड्यूसर्स नू मैं अपनी हार्टेस्ट गुड विशेज दिंदा कि परमात्मा तुहानू इहदे विच रंग भाग लाए ते तुसीं अगों वी चंगा सिनेमा बनाउंदे रहो। ते बहुत बहुत दुआवां मेरियां नव बाजवा नमन वास्ते और पूरी बाजवा फैमिली, इधर बाजवा साहब मेरे नाल बैठे ने सज्जे हथ। सो इन्हां वास्ते बहुत गुड विशेस कि एक नवीं तरह का सिनेमा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया और इतिहास इन्हां दे नां ते लिखिया जाए। सो मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जियां नूं तो लैके अज तक पत्रकार भी सारे बदल गए ने। हुण ते कईआं दे ते अगों मुंडे आ गए ने पत्रकारी करन, हुण जिन्हां दे पापा जी करदे हुंदे सी पहलां, असी उस समय का पत्रकारां ते नाल राबता है साडा। और तुसीं ही पंजाबी सिनेमे नूं इत्थे तक लैके गए हो, तुहाडा साथ तुहाडी मुहब्बत ने पंजाबी सिनेमा वड्डा कीता। इस तरह प्यार मुहब्बत देंदे रहो, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जिंदाबाद। क्या बात भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड भाजी तुहाडा भी मूवी दे विच आई थिंक सीन है, तुहाडा सीन है, तुसीं प्लीज़ एक्ट कर सकते हो, एक रिक्वेस्ट है। महाराजा वीर सिंह कहते ने तुसी केड़ी रियासत तो आए हो? महाराज असी चंडीगढ़ तो आए हैं। वो चंडीगढ़ ऐसा समझ लो भी जिहड़ा चंडी मंदिर है ना जी, चंडी मंदिर तो जे तुरो तो पहला आंदा पंचकूला, फिर पंचकूले तो अगे फिर जीरकपुर आ जाता जी, उदू अगे लोहगढ़ आ जाता जी, चीला आ जाता है, मलोआ आ जाता जी, उदू बाद तोगा माजरी बूथगढ़ सारा, मतलब तू तो ए जगह रूट दस रहा जिदा महाराज ने मिनी बस पानी होंगी है। हाँ जी बस जी बस। बहुत गुड, बहुत गुड, क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, सो नाउ ओवर टू माहिरा शर्मा। सो माहिरा एक बार प्लीज़ जोरदार ताड़ा यार, जोरदार क्लैपिंग। सो माहिरा किवें दा रहा एक्सपीरियंस इस मूवी की सारी टीम नाल काम करके, एंड इस जॉनर से स्पैसिफिकली फिल्म करके, बिकॉज तुसी पहला ही पंजाबी फिल्मा कीतियां एंड ए जॉनर पंजाब दे विच नवा एंड तुसी इसका पार्ट बने हो, ये किवें लग रहा तुहानू? हिंदी से शुरू करें? हाँ जी, जिवें तुहानू ठीक। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे लिए ये बहुत पहला एक्सपीरियंस है, हालांकि पंजाब में मेरी ये दूसरी फिल्म है, तो ये पहला ही एक्सपीरियंस है और इन सब के साथ काम करना ये मेरे लिए खुशी की बात है। और टाइम ट्रैवल से हम बचपन से ही फैसिनेट होते थे बहुत ज़्यादा, और उसमें काम करने का मौका मिलेगा वो भी पंजाबी इंडस्ट्री के थ्रू, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब बाकी तो वो मुझे पंजाब की ऑडियंस बताएगी कि उन्हें मेरा काम कैसा लगा, बाकी तो मुझे बहुत अच्छा लगा सबके साथ काम करके। थैंक यू सो मच, एंड वी हैव द डायलॉग फॉर माहिरा एज़ वेल इन द सीन। मैं हाँ जी, उस तो पहला मैं माहिरा लिए कुछ कहना चाहूँगा कि इन्होंने हुणे चलो हिंदी बोली है पर इन्होंने पंजाबी ये चाप आपे डब कीती अपनी फिल्म। क्या बात है यार, बहुत खूब, बहुत खूब। पंजाब तो ही कुड़ी बिलोंग भी करदी है, सोहनी पंजाबी बोलदी है, हुण डायलॉग विच भी सुनेंगे, एंड वंडरफुल एक्ट्रेस। क्या बात, बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद हर एंड शी हैज डन अ ग्रेट जॉब इन द फिल्म, और वो देखने को मिलेगा बिकॉज शी इज प्लेइंग राजकुमारी रत्ना इन द फिल्म। सो माहिरा एक डायलॉग हो जाए चलेगा? कर दी एक, चलो छोटा सा एक डायलॉग स्टार्ट विद द साडे दोनों की एक लाइन है फिल्म दे विच, कहिंदे किसी ने ठीक ही कहा कि शरीर खत्म हो जाता है पर आत्मा हमेशा अमर रहिंदी है, ते ओह हर जन्म विच अपने साथी नूं लभ ही लैंदी है। ओह ते मैनूं नहीं पता पर मैं तैनूं जरूर मिलांगी किसी और जगह
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਕਤ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਰੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵਰਡ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਜਾਈ ਬੋਲੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮਾਈ ਲਾਈਕ। ਵੈਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਲੈਪਿੰਗ ਪਲੀਜ਼ ਏਵਰੀਵਨ। ਸੋ ਯੈਸ, ਸੋ ਨਾਓ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀਐਨ ਸ਼ਰਮਾ ਸਰ। ਸੋ ਬੀਐਨ ਸ਼ਰਮਾ ਸਰ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਲੈਪਿੰਗ ਪਲੀਜ਼ ਏਵਰੀਵਨ। ਐਂਡ ਸਰ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਮੂਵੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਲੋਗ ਘੁੱਗੀ ਭਾਈ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਇਲੋਗ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲੀ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਚਲੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਾਦਰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੇਟਿਵ ਸੀਗੇ ਉਹ 6-6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਗਿੱਟ ਗਿੱਟ ਨਾਪ ਕੇ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਤਲਾਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਲੇਕ, ਜੇ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੇਕ 'ਤੇ ਵੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲੇਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੇਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਲੇਕ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਤਲਾਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਲਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਾਰਬਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਸੈਪਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 18 ਕੁ ਫੁੱਟ 'ਤੇ 10-12 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਸੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 100-100 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਓ, ਸੈਸ਼ੇ ਪੀ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਾਏ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਈਏ, ਪਾਲਕ ਖਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਔਰ ਦਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਨ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਥਾਰਥ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 350-350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਯੰਗ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ
सारा दुनिया की नॉलेज होएगी। वो आ गया मोबाइल, टेलीविजन आ गए, उस टाइम नहीं सीगे जब मैं छोटा सीगा, मैं टेलीविजन या मोबाइल नहीं देखे सीगे। तो हुण छोटे छोटे बच्चों के हाथ में फोन है गए हैं, तो जे उन्होंने कही कि फोन नहीं होंगे सीगे कदे, उन्होंने यकीन नहीं होएगा क्योंकि उन्होंने जमद नहीं वो देखा है। तो ये फिल्म जड़ी है जिथे सानू एक नॉलेज दिंदी है, एंटरटेन करती है, और एक साइंस फिक्शन है जिदे विच यह सिर्फ यही नहीं है सही साइंस का की वो की इक्वेशन होंदी है जिदे नाल इस तरह हो सकता है वो भी दसी है। तो बहुत कुछ फिल्म तो तुसी ट्रेलर देख के तुसी समझ गए होंगे। यह इंडस्ट्री वास्ते, पंजाबी इंडस्ट्री वास्ते बहुत नवा कदम है। प्रोड्यूसर्स नू मैं बधाई देना चाहवागा, ना बाजवा जी नू बधाई देवगा। मैं फस्ट टाइम मैं भी जिदा थोड़ी तरह ही पहली बार ट्रेलर देखा, तो मैं इन्हों कि मेरे तो अख नहीं चमकी गई, इन्ना कैची सीगा ये ट्रेलर। थैंक यू वेरी मच नव जी, और सारी टीम नू बहुत बहुत बधाई, बहुत मेहनत की है, और सारी फिल्म दे विच थोनू समझ आए शायद मेरी गल। यह चारों पासे हरा बना दिता सीगा, नीचे कारपेट भी ग्रीन, साइडा भी ग्रीन, उपर भी ग्रीन। तो सानू समझाते होंगे सीगे ऐदा अठ कदम तो बाद दरवाजा है, हुंदा नहीं सीगा। फिर थोड़ा जा होर अगे जाओगे तो लिफ्ट है, फिर बटन दबना तो लिफ्ट विच तुसी उपर जाओगे, हुंदा कुछ नहीं सीगा। सानू भी एक तरह का यह एक्सपीरियंस नवा सीगा क्योंकि एक्टर जड़ा हुंदा है उनू उदी परमात्मा वालों ही इमेजिनेशन बहुत वधिया हुंदी है। फिर जे कुलीग घुग्गी भाजी वर्गे हो जाण तो यह बहुत हैल्प कर देंदे सीगे, कई चीज़ों का जे नहीं भी समझ आता सीगा ये दस देंदे सीगे, ये इत्थे पिलर होएगा जिदा इन्होंने ये छोटा जा हरा निशान ही लाया, वो दिखता सिर्फ सानू ही सीगा, कैमरे च नहीं दिखता सीगा। थोड़ी देर बाद जदों मोनीटर ते देखते सीगे तां सानू समझ आता सीगा वो यार ये की बनाता इन्होंने। बिल्कुल तुसी इस तरह समझ लो कि जिस तरह हुणी फिल्म आई सीगी कल कल की वो पुराना दिखाया सीगा, ते इस तरह की ही साढ़े इतिहास की फिल्म है जो मैनू लगता है, और थोड़ियां दुआवां होण ये इतिहास रचेगी फिल्म। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब सर, थैंक यू सो मच। जैसे मैं बैक साइड से रिक्वेस्ट करना, प्लीज़ थोड़ी शांति रखियो बैक साइड से, थोड़ी शांति प्लीज़। ओके यस, सो हुण माई क्वेश्चन टू साडे पंजाब फर्स्ट AI रोबोट नमन हंजरा से, एक बार नमन ही जोरदार ताड़ियां प्लीज। थैंक यू। क्योंकि हुण हर किसी बच्चे के जबान से नाम होगा, पेरेंट्स कहेंगे आया तेनों चिट अपना साडा रोबोट दिखा के आइए, पंजाब का जो फर्स्ट AI रोबोट है वो दिखा के लाइए। सो डैट इज़ नमन हंजरा, सो एक बार नमन थैंक यू सो मच, तुम एक करैक्टर प्ले किया एंड मैं लगता हर किसी की जबान से हुण थोड़ा नाम जरूर होगा, थोड़ा जो AI रोबोट तुम प्ले कर रहे हो। एंड इस मूवी के थोड़ा जो सीन है जिदा तुम फ्लो के बोले वो प्लीज़ कुछ बोल के तो अपना सीन एक्ट कर। वेल थैंक यू। Wait a minute, let me change my language. मैं कितने आ गई हाँ, ये 2255 तो नहीं लगता। मैं तो सुखी नव शर्मा जी इन्हों की इंटेरोगेशन कर रही सी, मैं कितने आ गई हाँ, प्लीज़ मैनू गाइड करो, कोई दसेगा मैनू? तुसी 22 नवंबर नू थिएटर च देख लियो। ओके, मैनु याद आया नव मेरे विच कोई चेंज कर रहा सी, ते मैं हुन ह्यूमन वांग फील कर रही हाँ। आहां, थैंक यू। थैंक यू सो मच केटी, सो पंजाब्स फर्स्ट AI रोबो, क्या बात है, जोरदार ताली। एंड यस, सो नमन हुन प्लीज इस मूवी बारे दसो, अपने करैक्टर बारे दसो, बिकॉज बहुत ही यूनिक है, थोड़े लिए करैक्टर भी बहुत यूनिक होगा, सो प्लीज दसो बारे थोड़ा। वेल तुसी सही किया सर ने दस्या, हुणे नव ने एक्सप्लेन किया, बी एन शर्मा सर ने एक्सप्लेन किया, एक कॉन्सैप्ट पंजाबी इंडस्ट्री से लिया वाकई एक यूनीक काम सी और एक डेयरिंग सी। क्यों? क्योंकि हाले तक सानू ये नहीं पता कि असी अपने ट्रेडिशनल चीज़ों तो बाहर निकल के जो हॉलीवुड से चलता उन्होंने वेखना चाहवागे या नहीं, बट ये बहुत व्डा एफर्ट सीगा
तो मेरे ख्याल से इन्हें अपने बहुत अच्छा काम किया उस पर. तो आई फील सो प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. स्पेशली जो तुसी एक बिल्कुल हटके करैक्टर करते हो वो प्ले करने मिलता है तो चैलेंज तो होंगे. इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर मी. मैं बहुत मेहनत की पर मैनू बहुत मज़ा आया. सो मैं बाकी की कर दी हाँ फिल्म दे विच वो 22 नवंबर में तुसी देखियो ते जे तुहानू वधिया लगे ता आई विल बी वेरी थैंकफुल फॉर दैट. इन्हां दा मैं इन्हां बारे दसांगा जिहड़ा इन्हां ने तुसी अगे फिल्म च देखोगे सीक्वेंस विच जिथे केटी सुपर स्पीड उत्ते भज रहे ने क्योंकि शी इज़ अ एआई रोबोट. तो उन्हें जो असी शूट किया सी और इन्हां जिहड़ा कॉस्ट्यूम सीगा वो करीबन 4 इंच की हील सी. तो असी पूरा एक समझ लो जिड्डा स्टेज एडी वरी ट्रेडमिल लाई हुई सी जिहदे उत्ते इन्हां ने भजना सी उहदे अगे बहुत वड्डा फैन लाया होया सी. सो बिकॉज ये रोबोट का रोल से लेंसिज भी फ्यूचरिस्टिक लेंसिज से सो आई थिंक 4 to 5 बार इन्हें लेंस अखा के भी चले गए उत्ते बिकॉज ऑफ द फैन एंड टू रन ऑन द ट्रेडमिल. सो दैट हार्डवर्क ये सारी फिल्म हार्डवर्क सारे ने किया एंड ए आई रोबोट ऑलसो डज दैट. या दैट्स ट्रू. बहुत वड्डा पखा लगे हुआ सी जिद्दां तुसीं देखे होणा मुंजी या झोना उड़ाने लई जिहड़ा वड्डा पखा हुंदा वड्डा जिहड़ा फराटा लग्गिया हुंदा वड्डे वाला ओ फैन सीगा और मैं ट्रेडमिल ते भज रही सी. And I was running with motion. तुसी शायद वो टीजर से देखा होगा एक रनिंग मोशन दे विच भज रही हाँ. तो मेरे लेंसेज सीगे वो उपर चले जाते उपर आईबॉल के उपर चले जाते दैन फिर असी रोकते सारा कुछ करते और जो वो सीन खत्म होया शो शॉट खत्म होया तो मेरी आईज पूरी रेड हो चुकी सी. बट स्टिल मजा बहुत आया. बहुत हार्ड वर्क फिल्म दे विच हरेक ने कीता. बिल्कुल सारी टीम दा हार्ड वर्क है बिकॉज़ 6 साल लगे हो इस टॉपिक दे मूवी बनाउण दा. हैट्स ऑफ सारी टीम नु हैट्स ऑफ. इन अ कोऑर्डिनेशन सीगा चाहे कुग्गी पाजी बीएन शर्मा सर सब दा कोऑर्डिनेशन सीगा. ये बिना कोऑर्डिनेशन तो हो ही नहीं सकदी सी. असी इनफैक्ट 48-46 डिग्री शूट कीता है माहिरा ते मैं जेड़ा साडा रोमांटिक गाना हुणे चल रिहा है अखिल दा. ओ असी माहिरा डू यू रिमेंबर असी किन्नी गर्मी में व्हेन वी वर शूटिंग देयर. So everybody have done that hard work and I hope bas lokan nu pasand aaye. Bilkul kya baat hai. So thank you so much and tusi jinni mehnat kiti I hope ki oh mehnat nu rab edhi bhag lave and sari team nu fir to bahut bahut mubarak. Thank you Mr. Yes. Gill. Mr. Gill main mic wapas rakhda. Okay thank you. Thank you so much. So tusi hun mic hand over kar do sade producer sahab Anil sir nu. So sir sab to pehla bahut bahut mubarak because is topic te movie banaune because tusi aap is field nal related ho. ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਈਟੀ ਫਰਮ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਇੰਸ ਫਿਕਸ਼ਨ ਮੂਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਕਦੇ ਬਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਂਡ ਇੰਨਾ ਬਿਲੀਵ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਐਂਡ ਵਾਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਫੋਰ ਡੈਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. ਫਸਟ ਆਫ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਥੈਂਕ ਮਿਸ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਅਨੁਪਰਮਾ ਸ਼ਰਮਾ. ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਹੇਅਰ ਟੂਡੇ ਸੋ ਓਨ ਦੇਅਰ ਬਿਹਾਫ ਆਈ ਐਮ ਸਿਟਿੰਗ ਹੇਅਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਦਾ ਆਈ ਟੀ ਕੰਪਨੀ. ਠੀਕ ਹੈ. So Nav ji ne we have given the concept which have the treasure movie and science fiction romance and comedy also. So we have taken risk for that. After completion of the film we have today seen that movie. That is a great movie and I think all will like that. Thank yeah. you. Thank you so much sir. Thank you so much. Yes, so now over to Jaswant Rathore paaji ko. Jaswant paaji ji zordaar taaliyan please. Thank you, thank you. Thank so sir, tada dialogue. Main bahut bada fan ha Jaswant da. I love you man. Kamal de stand up aur inna to vadiya. Main talent is super talented. Har cheez multi talented. Kehnde changiyan di changiyan hai yaar jehda khud talent hai nu sare talented hi dekhde. Te meri waise jehde mere ehsaas ho ta edda hai jivein school college pass fail ho ke banda na पंजाब दा ज़्यादा जानते हैं बड़े जिवें कहिंदे छोले दे के पास होना किसी तरीके ना पास हो गए जो पिंडां चों निकल के बसां च सफ़र करके बंदे नूं चंगी कंपनी च नौकरी मिल जाती ना. मेरी हालत वो है. उन्हें थोड़ी देर पहले प्रोड्यूसर साहब तो मैम कह रहे तुहानूं टैक्नीशियंस तुहाडी बहुत तारीफ कर रहे ही. मैं क्या गल इदां है लकड़ नाल लोहा भी तर जांदा जदों छोले बणदी ना सांभा भी हिट हो जाता. तो मैं एडे वड्डे दिग्गजां दे विच बैठा मेरे वास्ते आही बड़ी उपलब्धि है क्योंकि फिल्म का नाँ रेडुआ. मेरे जेहड़े असली उस्ताद है बचपन जो दो ही है एक रेडुआ तो एक वीसीआर. कन्ना वास्ते रेडुआ सेगा तो देख के वीसीआर से उन्हें दौर दे विच ना जेहड़े टैलेंटड लोग से वो लास्ट नाम आता जिवें उस दौर फिल्मा बनते राजकुमार कोहली दियां मनमोहन देसाई दियां लास्ट विच ना एक वर्ड आता सीगा रिटन प्रोड्यूस्ड एंड डायरैक्टर बाय सुनील दत्त रिटन प्रोड्यूस्ड डायरैक्टर बाय मनोज कुमार. मैं कहा यार ये कौन है बंदा जिन्हें तीन तीन डेगनेशन लगियां. बाद च पता लगे बड़े टैलेंटड बंदे आ पंजाब जे कोई हैगा तो नव बाजवा जी है. क्या बात है बहुत खूब. क्योंकि
मैनू ए लगता कि साड़ी एज दी है बट इन्ना टैलेंट खुद करना भी तो करवाना भी तो सारा जो मेला आ क्योंकि बरात जरा भंगड़े पा के चल जाते हैं बंदे बट लाड़ा लाड़ा ही होंगे तो लाड़ा अज की महफिल का ना बाजवा भाजी है तो दो उस्तादा की मैं गल की है रेडुआ तो वी सी आर तो इस फिल्म च मैं बड़ा लकी हाँ क्योंकि तीन दिग्गज बैठे आ उधर सरदार साहब जड़े बैठे गुरप्रीत घुग्गी भाजी एक बार जोरदार ताड़ियाँ उस्ताद जी वास्ते जिन्होंने देख के असी बोलना सीखिया जे माइक पर बोल रहे हैं तो क्रेडिट गोज टू घुग्गी भाजी उस तो नाल नाप चाचा रौनकी राम क्योंकि उन्होंने विच ही उन्होंने नाँ आ गया फिर मैं नाम लैंना बी एन शर्मा भाजी का जिन्हों ने मैं पहली फिल्म की आशकी नॉट अलाउड इन्हें जो मैं पहली फिल्म की ना मैं याद तड़ मैं किस्सा थोड़ा जहा सुना मेरे कल का क्लोजअप शॉट लग गया ये आके बह गए हूँ मैं टेंशन है कि ये क्यों बह गए यार मेरे को तो पहले नहीं हो रहा सी इदा बैठे तो मेरे को होंदा नहीं पिया सगा ये बाद चाहे पहली बार कर रहे हो मैं क्या हाँ जी नहीं भाजी तुहानू देख के घबरा गया उदा मैं चंगा ही करता नहीं नहीं इदा लग रहा सी जिवें चू ही ना कड़के च फसी होंगी तो फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट द ग्रेट खली साहब वास्ते ताड़ियाँ मैं अज पहली बार इन्हों मिलया मेरा जो करियर शुरू होया बॉम्बे च लाफ्टर चैलेंज मैं इन्हों की आइटम की भाजी इजाजत तो कर देव कर सकता क्योंकि नहीं नहीं जे मैं बाजवा भाजी की सीट पर बैठा फिर नहीं मैं करना ही पता लगे हाथ आता तो मेरे नाल हो चुके होने इधरों देखो जब तक उन्होंने आना मैं उधर भजना दरवाजा भी है मैं उत्तर आइटम बनाई सी तो खली भाजी बिग बॉस गए थे है ना तो मैं खली भाजी ने पूछा मैं खली भाजी तुम माण हो साडे पंजाब का इंडिया का तुम सारिया स्टेजा पर जितते हो एक जगह हार गए कहते कि मैं क्या तुम बिग बॉस श्वेता तिवारी तो हार गए नहीं नहीं मैं फायदे में रहा भाई मैं क्या किदा कितने पैसे मिले श्वेता तिवारी को मैं क्या जी करोड़ डेढ़ करोड़ के मंडे ही खा गए बिग बॉस में सो हूँ जरा बिच मैं किरदार किया सुनील शेट्टी साहब है मेरे उस्ताद जिन्होंने दे नहीं बहुत अच्छा बहुत बढ़िया बोल रहे आप बहुत बढ़िया चलो मैं हूँ उठी मैं एको बंदे हाथ मिलाए धर्म भाजी ना इदा लगे तीन चार धर्मिंदा ने मेरा हाथ फड़ लिया एक बार ताड़ियाँ क्योंकि देखो मैं घुग्गी भाजी अपने उस्ताद चाचा रौनकी राम उन्होंने एको गल सीखी है कि मिमिकरी करो किरकिरी ना करो मजाक होंगे जिदे बारे किया जाए वो चेहरे पर भी समाइल आए तो तुम मैं ब्लैसिंग की भाजी मैं डर रहा बट इन्होंने कहा बहुत अच्छे मेरा वाकई दिन बन गया फिर हूँ जो मेरा असली किरदार जो मेरे उस्ताद सुनील शेट्टी साहब जिन्हें मैं प्ले किया मैं सच्ची दसा मैं उन्होंने रब वांगू मानता हाँ तो मैं टीवी उन्होंने लोगों ने काम किया नहीं होना जिन्ना मैं छड़िया उसका जस्ट कारण है कि जी स्क्रिप्ट होंगी उन्होंने शान के खिलाफ होंगी मैं क्या इन्ना चंगा तो मैं जाकर ढाबा खोल लाँगा भी जेड़े बंदा मेरा जिन्होंने मैं क्लब वांगू द्रोणाचार्य मनिया तो मैं वो बेइज्जती नहीं कर सकता तो मैं कराँगा तो चंगा ही कराँगा क्योंकि मैंने इंस्टा पर फॉलो कर दे मैं कोई चंगा काम करता थोड़ा बहुत पहले मैं उन्होंने भेजदा तो उन्होंने वॉइस मैसेज आता बहुत अच्छे बेटा थैंक यू सो मच तुम मुझे जिस तरह से प्यार करते हो मैं भी तुम्हें वैसा ही करता हूँ तो मैं हूँ रेडुआ रिटर्न का ट्रेलर जरा मेरा कटिया मैं भेजा डायलॉग हाँ जी जो कह रहे थे रेडुआ रिटर्न का डायलॉग सो साड़ी रेडुआ दे विच रेडुआ रिटर्न दे विच असी जो फ्यूचर पहुँचते हैं तो उत्थे जाके सानू पता लगता है कि सुरिंदर शेट्टी साहब बहुत ही वड्डे डॉक्टर ने उत्थे तो वह कितने ना कि असं कहने जी थोड़ी आवाज़ किसी नाल मिलती है घुग्गी भाजी मैं शर्मा जी सो तुसी सुनील शेट्टी साहब नू जानदे हो ये कौन है ये कौन है जी वो है ना जिहड़े बड़ी फिल्म आई सी मोहरा बलवान एक्सक्यूज मी सॉरी सॉरी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे जिंदगी में दो ही शौक है एक टाइम मशीन पर काम करना और एक अपने लक्कड़ दादा के दादा सुनील शेट्टी साहब की फिल्म में देखना बहुत खूब सो फ्यूचर दे विच सुनील शेट्टी साहब दे पोतरे दे पोतरे लेगेसी कायम रखी है इन्होंने वो मैं गल कंप्लीट करदा कि इन्होंने जो मैंने सुनाया भाजी ने मैं हमेशा ये सोचता कि कुछ चंगा किया जाए बेशक ना करो तो जो इन्होंने सुनाया कि कहते शेट्टी साहब का फ्लेवर पाइए तो मैं इदा लगे कि बिल्कुल इंसाफ होएगा है ना क्योंकि मैं तो अजे सीखना है मैं पहले उन्होंने पोर्ट्रेट करना तो मैं इदा लगा एग्जैक्ट मैनू बड़ा चंगा लगा उन्होंने भी चंगा लगेगा तुम्हें तो लगे जाना फिर अपने आप तो 22 नवंबर में बाकी रेडियो रिटर्न से देखियो जो भी है थैंक यू सो मच इन्होंने शब्दों ना सारे उस्तादों के चरणों से प्रणाम थैंक यू क्या बात है भाजी थैंक यू सो मच एक बार जोरदार क्लैपिंग प्लीज एवरीवन यस सो नाउ ओवर टू परमवीर भाजी सो एक बार परमवीर भाजी की जोरदार ताली हो जाए प्लीज एवरीवन ओके यस सो भाजी ढाडा भी डायलॉग इस मूवी का या पहला तुसी गल्लां थोड़ियां दसोगे या फिर डायलॉग दसो सारे नूं सत श्री अकाल सो जिहड़ी पहला आई सी फिल्म रेडुआ वह तो मैं पार्ट बन नहीं सकिया पर
रीढ़वा रिटर्न्स जदों आई तो वह मैं पार्ट बनया तो मैं बड़ी खुशी हुई जो नव ने मैनू रोल सुनाया भी तुहाडा एक साइंटिस्ट का रोल है और असी 21वीं सदी चल रही है 2255 दे विच जावांगे ते कुछ उत्थे साइंस फ्रिक्शन दे उत्ते फिल्म हैगी है। सो मैं पहला चौंकिया, मैं क्या अच्छा यार ये किस तरह की फिल्म होगी की होगी, पर जदों इन्होंने स्टोरी सुनाई दैट वॉज़ अ वंडरफुल। उस तो बाद सारे किरदार पता लगे कि कुकी भाजी, बी एन शर्मा जी, कली द ग्रेट ऑलवेज ग्रेट, माहिरा जी और बाजवा साहब और एवरीवन, राठौड़ साहब क्या बात है राठौड़, अच्छा काम कर रहे हो, मुझसे बच्चे मिलते रहा कर रहा हूँ। सो एनीवे फिल्म नू बहुत टाइम लग गया, लेकिन कहते ना हर अच्छी चीज़ नू टाइम लगता है क्योंकि उस फिल्म दे विच सारी सीजी हुई है, स्पेशल फैक्ट्स होए ने और स्पेशल फैक्ट भी वो कितों कितों होए ने, ये मतलब एक एक मतलब यू कैन से कि 100-100 बंदा बैठा होंदा सी कंप्यूटर दे उत्ते, 30-40 जाने इत्थे, 30-40 जाने बॉम्बे ते 30-40 जाने साउथ दे विच, इन्हां तिन्नां दा कंबीनेशन हो के ये फिल्म बनी है। सो आपां ट्रेलर भी देखिया, ट्रेलर विच आपां ऑलवेज इस तरह की चीज़ देखने कि कोई नुक्स सानू पता लगे, है ना। मैं भी यही देख रहा सी कि किते कोई पिछे फुटेज फट रही है या कुछ हो रहा, बट किसी भी सानू किसी भी तरीके दे नाल वो नकली नहीं लग्या। और जो पिछला बैकग्राउंड अच्छा हो जो किरदार अगे उत्ते काम कर रहे हो आप ही चीज़ इनहेंस हो जाती। जिमें शर्मा जी ने कहा कि असी जो ग्रीन कपड़ा लग्या होया सी अपना मतलब फ्लोर ते भी और चारों तरफ, तो जो कहते लिफ्ट हैगी है या सेफ हैगी है या ये तो पूरा कोरीडोर है, ये आले दुआले पूरे रॉबर्ट्स खड़े ने, तो फील नहीं सी हुंदा। लेकिन जो असी शूट किया इमेजिन करो कि उत्थे पता नहीं किन्ने कैमरे ते किन्ने कंप्यूटर लगे हुए सी, स्पेशल एक टीम बैठी हुई सी 10-15 जाणियां दी जिदे ते वड्डे वड्डे टीवी लगे हुए सी और सानू नाल दी नाल इधर ग्रीन कपड़ा दिखता सी और इधर नाल सानू एक रफ जेड़ा उहदा ग्राफ है सानू नज़र आउंदा सी, किते किसे नू कोई तरह की कन्फ्यूजन हुंदी सी तां तुहानू ग्राफ दिखांदे सी कि आह देखो आह तुहाडा कोरीडोर बनिया, इत्थे इन्ने सारे रोबोट्स खड़े ने। सो बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो फिल्म करके और बहुत कुछ सीखने को भी मिलया। नव ने पता नहीं कदों सीख लिया है क्योंकि आप ही बहुत अच्छा एक्टर है। सो बड़ा अच्छा लग्या वो सारी चीज़ा देख के। सो इट वॉज़ रियली ग्रेट। मैं विश करदा कि परमात्मा करे रेडुआ 3 भी बने जिद पता नहीं है कि धरती सानू लै जाण, हैं थले कहते ने एक गिटमुटिया की भी धरती होंगी है, थले धरती दे विच ही वार देना उन्होंने। सो ये सी बड़ी खुशी हुई एंड थैंक्स टू ऑलवेज प्रेस। तो ये फिल्म दे विच मेरा एक डायलॉग हैगा वो मैं जरूर तुहाडे नाल शेयर करना चाहवागा। सो मैं 22वीं सदी का मालिक रॉबी गिल, तुसी सारे जाने मैनू मिस्टर गिल भी कह सकते हो। मेरी दुनिया विच बहुत कुछ ठीक चल रहा सी जदों तक ये चारों टाइम ट्रैवल करके मेरी लैब तक नहीं पहुँचे। इन्होंने मेरी लैब दे विच ऐसे कंप्यूटर्स बनाए, ऐसे रोबोट्स बनाए जिन्होंने मेरी सारी लैब डिस्ट्रॉय कर दी। सो यू फोर आई विल नेवर लेट यू गो बैक। डिड यू अंडरस्टैंड? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। यस हूँ गुरजीत बाजवा सर, एक बार सरली जो दा क्लैबिंग प्लीज। तो सर किवें दा लगता जो अपने घर इन्ना मल्टी टैलेंटेड मुंडा हो मतलब हर चीज़ डायरेक्टर राइटर इन्ना कमाल दैक्ट इन्नी वड्डी थिंकिंग मतलब इस टॉपिक ते मूवी बनाने एड्डा वड्डा विजन, सो किवें दा लग रहा? मैं कहना पहला तो सत श्रीकाल जी सारे नू। मैं कहना एक फादर बच्चे नू समझ सकता है, उहदी छोटी छोटियां गल्लां, उहदा बचपन। सो मैनू बड़ा याद आ रहा, बड़ा अच्छा लग रहा क्योंकि फिल्म देख के और महसूस करके कि ये फिल्म का मैं भी बड़ा फैन हाँ इस चीज़ का। नव की जिहड़ी जर्नी सी स्टार्ट हुई मेरे नाल, गुरप्रीत जी बैठे आ, खाली साहब सत श्री अकाल जी, तो शर्मा साहब, ये तीन बंदे। खाली साहब नूं हुणे पता लग्या तुहाडे फादर ने कहिंदे बड़े यंग लग रहे ने। सो हाँ जी हाँ जी हाँ जी
माहिरा को भी अभी पता लगा। खली साहब 2006 जो नव ने गल की सी WWE होंगी सी USN, सो मैं जॉन सीना और नव खली का रोल करता सी आपस में लड़ाई नंबर वन। यस एंड शर्मा जी सर तुहाडी मूवी माहौल ठीक है, असी दोनों कट्ठे देखण गए सी, कहिंदे यार ये बंदा बहुत तकड़ा है, बिल्लू बकरा आई एम सॉरी दैट वाज बहुत सोहना। तो गुरप्रीत जी मैं क्या नव की करना है, नव कहिंदे भी मैं एक्टर बनना है, तो मैं क्या ओके जी ठीक है एक्टर करांगे, पहला तू पायलट बन लै फिर एक्टर। तो गुरप्रीत जी दे वड्डे ब्रदर मेरे बड़े अच्छे दोस्त ने जी, कमांडेंट ने और बहुत अच्छा साड़ा प्यार है, सो उन्हां दी सिफारिश लैके ये शूटिंग कर रहे सी जी एयरपोर्ट पर पटियाला एयरपोर्ट पर, मैं इन्हूं लैके गया 14 साल का सी 13-14 साल का, तो गुरप्रीत जी ने इन्हूं कहा भी देख के बड़ा एक्साइटेड, मैं क्या चलो तुहानूं मिलाउणा। सो इन्हां ने एक कहा बेटा मेहनत कर, एम आई राइट, क्या बहुत मेहनत कर अगे जाओगे, सो दैट जर्नी स्टार्ट विद द पायलट एंड पायलट तो बाद जदों भी इस 17 साल के नव ने 18 फिल्मों का मेरे ख्याल फिल्मा कीतियां ने टोटल, एंड मैं इनू एक ही गल किया सी बेटा एक ऐसी फिल्म बनाओ जिन्हों बच्चे भी देख सकन, जिन्हों सारे साड़ी उम्र के भी देख सकन, उहदे विच इंटरटेनमेंट भी होवे, उहदे विच सोंग भी अच्छे होण, इमोशन भी होण, और खास करके बच्चों नू बहुत पसंद आवे। सो और साड़ी माँ बोली पंजाबी जिहड़ी है वह भी साउथ फिल्मों की तरह वर्ल्ड के हॉलीवुड मूवी की तरह प्रसिद्ध होवे, असी पंजाबी भी जानते हैं फिल्म बनाना जी जरूर। तो वो रेडियो रिटर्न तुहाडे सामने आ, बहुत मेहनत की है, रात को 2-3 बजे तक नव दा मैं इंतजार करता सी, ए हर चीज़ से छोटी छोटी चीज़ हिल जाती है जी VFX, बहुत मुश्किल है, 2-2.5 साल हो गए एंड बड़ी मेहनत के नाल वो तुहाडे सामने आया है जी रेडियो रिटर्न हुण, और बहुत ही सोहनी फिल्म है, सब नू एक उम्मीद करदा मैं कि सारे अपने बच्चों दिखाओगे, और खासकर ये स्टडी टाइम ट्रैवल की स्टडी भी हैगी, खासकर अजकल जो जिहड़ा इनवायरमेंट है खराब हो रहा, पेड़ कट रहे हैं, वो भी ये दिखाया गया, एक मैसेज भी है बच्चों वास्ते, बहुत सोहना। एंड थैंक्स, मैं बेटे नू ही थैंक्स करना, वेरी गुड, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है जी तुसी, क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस बिकॉज असीं देखते सी जो भी स्टूडियो च, मैं कदम नव वीर देखता सी ना स्टूडियो च, उत्थे लिखे होंदे डेट टास्क लिखे सीगे भी कि अज चल रहे, और जिन्ने भी स्टूडियो हर किते लिखे हो रेडियो रिटर्न रेडियो रिटर्न रेडियो रिटर्न, मतलब कल्ला बंदा हर स्टूडियो च जा जाके काम कर रहा है, नव भाई हैट्स ऑफ तुहानू, सो एक बारी फिर तो जोरदार ताड़ियां प्लीज सारी टीम दे दी जाए। यस सो हुण आपां क्वेश्चन लैने मीडिया दे, सो ओवर टू द मीडिया, जे तुहाडे मन दे विच कोई भी क्वेश्चन आ फॉर द मूवी फॉर द ट्रेलर, कास्ट इत्थे आ, तुसीं कोई भी क्वेश्चन पूछ सकदे हो जी। सत श्री अकाल सारी टीम नूं, इधर सत श्री अकाल जी, नवपा जी इधर जी, सॉरी मैं लाइट्स बहुत सी गया, अच्छा बिल्कुल सामने, अच्छा अच्छा जी भाजी जी, अरे की हाल है भाजी, ठीक हो, हां जी हां जी, और गल करिए रेडियो रिटर्न दी, गल करिए जो इना फिल्मों नूं लेके थोड़ा विजन आ, वो बहुत कमाल आ, और जो तुसीं पास्ट दी गल करदे हो फ्यूचर दी गल करदे हो, तो इहदे विच थोड़ी जिहड़ी स्टडी आ उहदे बारे मैं थोड़े तो जानना चाहुंदा आ, साडे बुजुर्ग हुंदे आ उह कहिंदे आ वी यार अजे तो टाइम असं येख रहे हैं, अजे रुको अजे होर भी बहुत माड़ा टाइम आना आ, या कुछ चंगी चीज़ों प्रडिक्ट करते हैं पहले ही, तो सच्चिया भी होंगे ने जी, तो मैं जानना चाहता कि तुम कि बजुर्गों को बैठे फिर इस फिल्म की स्टडी किमें हुई, ये मैं जानना चाहता, और दूजी गल कि घुग्गी भाई थोड़े को है जी, तो घुग्गी भाई का अपने आप के ही उन्होंने बहुत लाइब्रेरी है ना, नो डाउट, इस फिल्म की मतलब स्टडी किमें हुई वो मैं जानना चाहता। सर मैं ना अगर तुम बुजुर्गों की गल करते हो, पुरानी गल करते हो, ग्रंथा की गल करते हो, तो अज नहीं अज तो कई साल पहला साढ़े गुरु भी बहुत कुछ कह गए ने, बहुत ग्रह बारे दस गए ने, जो जो अगे होने वाला है, तिथे खंड मंडल वर पंड जे को कथे त अंत न अंत, तिथे लोह लो आकार जिव जिव हुक्म तिवे तिवकार। सो ये गल्लां जिहड़ियां उस टाइम दस गए सी, वो साइंस अज लभ रही है कि किन्ने ग्रह ने, किन्नियां धरतियां ने, किन्ने पताल ने, मल्टीवर्सिस किन्ने ने, ये तो उदों दी गल सी। अगर अज आपां साइंस दी गल करिए तो आइनस्टाइन ने वो प्रूव किया सी E=mc², एनर्जी नू मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट, तो एक टाइम मशीन बन सकती है, थ्योरेटिकली एक टाइम ट्रैवल हो सकता है। मैं जो ये फिल्म बना रहा सी, मैनू सब तो मेरा वड्डा चैलेंज सीगा कि मेरी पंजाबी माँ बोली च बनानी है, सो मैनू ये देखना सी कि पंजाबी पहला तो किहड़े सन च बोलनी शुरू हुई सी, सो जिहड़ी जिन्नी भी मैं कर सकिया इंटरनेट तो बुक्स तो, तो जिहड़ी साडी पंजाबी बोली तकरीबन 7वीं सेंचुरी तो बोलनी शुरू की गई सी पंजाब दे विच,
और ये मैं 955 का वक्त दिखाया। सो पंजाबी बोली भी उत्थे है और वो सारा एरा भी है। और हाँ, उदों भी महाराजा बीर सिंह नाम के राजा सीगे जो योगराज जी प्ले कर रहे हैं, और उदों भी मुहम्मद खान नाम के एक बंदे ने इंडिया उत्ते हमले किए। सो कितने ना कितने फैक्ट फिगर्स जुड़ते हुए ये दिखणगे। मैं 1100 तो लैके सन 955 तो लैके 2024 तक की सारी हिस्ट्री लिखण वेले पढ़ी कि किस टाइम की होया सी, बाबर कदों आए सी, अकबर कदों फिर बने सी, फिर गुरुआ का वक्त कदों आया सी, ताकि वो मेरे माइंड दे विच एज अ राइटर सब क्लीयर होना बहुत जरूरी है। उस तो बाद साइंस नूं विच जोड़िया गया, एक एक थ्यूरी नूं जोड़िया गया, ताकि जिहड़ा भी इंसान इहनूं देखे साडे पंजाबी वो ये ना कहण कि यार एवें कोई फॉर्मूला ला के फिल्म बनाती नहीं, एवें नहीं लग्या फॉर्मूला। साउंड की जिहड़ी स्पीड है वो ट्रैवल करती है धरती तो बाहर, साउंड वेव्स असीं भेजियां ने दूजे ग्रहां दे उत्ते, अज भी इहो जिहे ग्रह लभे गए ने जो हैबिटेबल ने, जो धरती वर्गे ग्रह ने, 4 light years दूर ने अज तो अल्फा सेंचुरी। सो इन्नी डीप स्टडी करन तो बाद ही किसी सब्जेक्ट नूं असीं लिख पाने आ, ते मैं वो सारा इहदे विच दिखाया जी। बहुत क्या बात है, बहुत। हैलो ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 955 ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ 955 ਤੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ 2255 ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਜੂਅਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, VFX ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਊਚਰ 'ਚ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ 'ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡੂਮ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਏ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਆ ਕੇ 2255 'ਚ। ਰੋਬੋਟਸ ਨੇ, ਸੋਫਟਵੇਅਰਸ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ AI ChatGPT ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਹਿਊਮਨਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਸੀ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਡਿੰਗਸ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਭਾਅ ਜੀ। ਕੁੱਕੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਅ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, 2255 ਤੱਕ ਗਏ ਹੋ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ, ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ? ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਕਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਘਰ ਜੰਮਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਡਿਕਟ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੂਪ ਸਾਰਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਿਸਿੰਗ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓ ਵੈਪਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਬਾਇਓ, ਮਤਲਬ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਖਤਰਾ ਬਾਇਓ ਵੈਪਨ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪਹੀਆ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਬਣਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਖੋਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਸੀ।
अज तो सदिया मतलब युगा युग पहला दे वो घर वो पिंड मिलते हैं जिदे ड्रेनेज सिस्टम बने हुए ने जेडे अज असी पिंडा दे विच सरपंच ते MLA इस शर्त ते चुनदे कि साडे पिंड च नालियां पक्कियां कराएगा ते अज तो सदिया युगा युगांतरां पहलां दे विच तुहानू धरती दे विचों वो पिंड मिल जाणगे जिन्हां दे विच ड्रेनेज सिस्टम बने ने सो प्रडिक्ट करना बड़ा औखा बट ये है कि सानू अज मशीन जिहड़ी है बहुत जल्दी सानू वो ऑक्यूपाई करन जा रही है सानू साडी जिंदगी नू और मैनू मशीन तो डर बहुत लगता है जी यही कह सक जी सारे नू सत श्री अकाल मेरा नाम मनप्रीत सिंह औलख है कुकी भाजी तुहाडे तो ही सवाल है अज पूरी दुनिया दे विच साइंस नू लैके बहुत तरक्की है एलन मास्क का नाम है दुनिया भर दे विच स्पेस एक्स एक प्रोजेक्ट है उसकी चर्चा हो रही है पर असी अज साइंस फिक्शन पहली पंजाबी फिल्म है उसका सीक्वल है साइंस फिक्शन दे विच असी देखिया तुसी ट्रेलर दे शुरुआत दे विच गुरबाणी दीआं तुकां चल रही ने ये पहली बार हो रहा होएगा कि साइंस फिक्शन मूवी बन रही है तो उस रिलीजन की गल हो रही है एक मैं एक साइंटिस्ट की इंटरव्यू भी की उन्होंने भी यह कहा साइंस से धर्म कोई अलग नहीं है धर्म ने जो चीज़ा कही साइंस उसके होर अगे सबूत लभ रही कि धर्म ने इंज कहा असं इंज लभ रहे हैं तो सूँ इंज क्यों लग्या कि साड़ी कल्चर च असी सीखिया हुई चीज़ा ने कि अज असी जो साइंस की गल करा धर्म की पहली गल करा जिमें क्या भी खतरनाक है पर खतरनाक किमें असी जो अज बना रहे हैं पर असी तो गुरबाणी की गल कर रहे हैं जो साइंस फिक्शन ये किमें सम जी सॉरी कुकी भाजी मैं उदा आंसर देना बेसिकली एज अ डायरेक्टर ये मेरी सोच सीगी एज अ डायरेक्टर राइटर मैं जदों जिवें तुसीं कहा मैं साइंस और धर्म धर्म इट्स नॉट अबाउट धर्म मैं जिन्नियां भी बुक्स ने जिन्ने भी ग्रंथ ने चाहे वह कुरान ने चाहे गुरु ग्रंथ साहिब ने चाहे हिंदू के जिन्ने भी गीता है उन्हां दे विच भी अगर तुसीं पढ़ोगे तो उन्हां दे मतलब अज साइंस खोज रही है जिमें कि तुसी आप कहा मैनू यह महसूस होया कि जो मैं गल कर रहा वो किते ना किते इन्हां चीज़ां नाल जुड़ी हुई है जो पहला कह गए ने सो तां मैं इस चीज़ नू उहदे नाल कनैक्ट करन दी कोशिश कीती सी कि असी पंजाबियां साडे ग्रंथां च वी उह चीज़ लिखी है जो असी बना रहे हैं अगर साउथ इंडियन फिल्म आती है तो एक श्लोक तो शुरू करते हैं बहुत सारिया फिल्मां ने हनुमान बनी है या देयर आर सो मैनी अदर फिल्म्स तो वाई कांट वी शो पीपल असी क्यों नहीं दिखा सकते कि साडे गुरु भी यह गल कह के गए हैं जो अज्दी साइंस प्रूफ कर रही है ये करके चीज़ सी बाकी जो दूजी गल सी मेरे ख्याल भाजी सॉरी मैं तुम्हें कट किया नहीं नहीं ही इज़ राइट उन्हों का क्वेश्चन भी ठीक है तुसी आंसर भी सही दे रहे हो पहली गल तो आप किदा सोच सकते हैं कि धर्म साइंस तो अलग है ये तो कित आप डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते क्योंकि धर्म तर्क से चलता तो साइंस भी तर्क से चलती है सो इन्हों का आपस बहुत गूढ़ा संबंध है तर्क का असी लॉजिक जेड़ा जे धर्म चो लॉजिक खत्म हो जाएगा तो वह सिर्फ एक बिलीव बन जाएगा एक अंधविश्वास बन जाएगा इदा ही साइंस के विचों भी लॉजिक खत्म हो जाएगा अगलिया खोजा बंद हो जाएगियाँ खत्म हो जाएगियाँ अगों सानू कुछ इनवेंट करन दी लोड़ नहीं है सो गुरु नानक साहब की जे मैं गल करा असी इत्थों फड़ लैने रिलीजन नू गुरु नानक साहब तो जो समय की गल करिए तो साइंस जिहड़ा मैनू हुण पढ़ाया गया उहदे च तो बाबा जी पहलों कह गए लख आगासा आगास लख पतालां पताल ओड़क ओड़क भाल थके वेद कहण एक बात ये गुरु नानक साहब ने जिहड़ी गल कही उन्होंने विच एक शब्द वेद भी कहा कि मैं भी कितने ये चीज़ा जानिया पढ़िया ने यदा मतलब उन्होंने तो पहला भी जिक्र सी इन चीज़ों का सो गुरु नानक साहब की सब तो वड्डी गल ये सी कि वो खोजी सीगे वो खोज करते सी वो उन्होंने चार उदासियां जिथे तक पैदल कर सकते सी वो तो कीतियां ही कीतियां पर जिथे भी दुनिया च उन्होंने कितों भी ज्ञान की गल मिलती सी उत्थे बह के गल करते सी गुरु नानक साहब का सब तो वडमुला उपदेश है जब लग दुनिया रही है नानक किछ सुनिया किछ कही है कुछ कहो कुछ सुनो वो डायलॉग नू बहुत प्रैफर करते सी डिस्कशन नू इंपोर्टेंस देंदे सी तां ही उन्होंने सिद्ध गोरखां दे नाल सिद्धां दे नाल गोष्ठी की जाके उन्होंने सो वो रिसर्च करते सी वो जदों उदासी ते निकलते सी मरदाने नू ही नहीं सी कहिंदे कि आओ सैर करके आईए वो कहिंदे सी मरदाना जी चलो चलीए संसार नू मिल के आईए वो संसार नू मिलन तुरदे सी घरों तो जिहड़ा बंदा घरों खोजी होके तुरदा वो साइंस नू नाल लैके ही चलदा अपने जी एक
सवाल हो रहा है, साइंस की गल कर रहे हैं, साइंस बहुत तरक्की कर रही है, ए आई दे असी देख रहे हैं टूल्स किन्ने आ रहे हैं। एलन मास्क का एक प्रोजेक्ट चल रहा है कि वह कहें भी दिमाग इंसानी दिमाग के चिप लगानी है, जो कोई डिसेबल आ तो वह बिना हाथ यूज़ करे ज यूज़ करे कोई कंप्यूटर चला सकता है, मोबाइल यूज़ कर सकता है। इदा ही मार्क जुकरबर्ग हाँ उन्होंने वालों है कि वह एक प्रोजेक्ट लैके आ रहे कि जो इंसान को आने वाले 15-20 साल बीमारी लगनी है वह अज पता लग जाया करेगी। यहोजी जो प्रोजेक्ट असं सुनते हैं जो देखते हैं कि फील करते हो तुम? सर देखो ये जी डिवेलपमेंट है, मैं अगे क्या है जिनी वधिया उन्नी खतरनाक भी है। हुण तां इह तुहानूं पता है बॉडीज प्रिजर्व करन दा भी काम चल पिया भी बॉडी रख लो, ये कोई साल ए समा आना थोड़े सालों तक दोबारा बंदे च जान पा दो उन्हूं जिंदा कर लो जी। सो ये धरती के नियम के नाल जदों खिलवाड़ होण लग पैंदे आ ना, जदों जिन्हां दे औलाद संतान नहीं है उन्हां दे औलाद हो जाणी, ये साइंस का ही करामात है कि वह टैक्नीक दे नाल बच्चा पैदा हो सकता है। उत्पत्ति हमेशा पॉजिटिव हुंदी है पर जे वो तरीके दे नाल है। इदां ही जे असी उत्पत्ति करते रहांगे पर विनाश नूं रोक लवांगे ना या चीज़ दे खत्म होण नूं रोक लवांगे वो समाज लई बहुत घातक है। मेरे ही बच्चे कल नूं मैनूं प्रिजर्व करके रख लैण भी इहनूं 200 साल तो बाद भी इहनूं जिंदा रखना है, वह चंगी गल नहीं, क्योंकि गुरबाणी च महाराज ने कहा जो उपज है सो बिनस है, उपज ना ते बिनस ना, एक सृष्टि का चक्कर है, चक्करवात रोक दईए बेड़ा गर्क हो जाएगा इस धरती का। सो वो जिहड़ी तरक्की है बहुत चंगी है पर सृष्टि के नियमों नूं जिथे हर्डल बनेगी रोकेगी वो सोसाइटी लई और धरती लई खतरनाक है। सत श्री अकाल जी सारयां नूं, अशकी टीवी तो शेखर नव भाजी तुहाडी फिल्म की बहुत ज़्यादा उड़ीक सी परसनली मैनूं। थैंक यू। सो मैनूं टाइम मशीन मूवीज़ वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है परसनली। सो पहले दूजे पार्ट भी जिहड़े अच्छे लगे, इस दे विच दो क्वेश्चन मैं तुहाडे तों पुछण वाला। सो तुहाडे तों ते माहिरा जी तों कॉमन है। हाँ जी हाँ जी। सो ये कि जे तुहानूं पास्ट दे विच जाण दा रियल लाइफ दे विच मौका मिले सो की चेंज करना चाहोगे? कुछ फनी भी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग चेंज। हाँ चेंज की करना चाहोगे? मैनूं लगता है मैं शायद चेंज तो कुछ नहीं करना चाहवांगा क्योंकि जे बहुत साइंटिफिकली गल करो तो एक चीज़ है जिहनूं कहिंदे ने ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, शायद तुसीं पढ़िया होए या जिहड़े देख रहे ने उह पढ़नगे दे बारे। उहदे च कहिंदे ने कि अगर मैं पिछे जावांगा और मैं जाके अपने दादा जी नूं मारता तो मैं पैदा ही नहीं हो सकता। दैट्स कॉल्ड ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। सो मैं कुछ भी चेंज नहीं करना चाहवांगा लेकिन मैं विटनेस जरूर करना चाहवांगा कुछ। जे मैनूं कोई इहो जिहा मौका मिल गया तो मैं 1699 नूं विटनेस करना चाहवांगा जदों गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ सजाया सी। काश कि तो दूरों देख जे उह चीज़ तां। सो दैट इज़ वट आई फील टू विटनेस। ज़्यादा पीछे की बात कर रहे हैं आप कि कम पीछे की? आप जहाँ की बात कर लें जहाँ भी अगर चाइल्डहुड में जाके भी कुछ चेंज करना है तो चलेगा। चाइल्डहुड में तो कुछ चेंज नहीं करना पर मुझे मधुबाला बहुत पसंद है तो मैं उन्हें मैनेज जरूर करना चाहूंगी उस जमाने में कि मैं देखना चाहती थी कि वो किस तरीके की अदाकार है क्योंकि उनकी खूबसूरती, उनकी एक्टिंग, उनकी हर एक चीज़ मुझे बहुत पसंद है तो मैं उन्हें ज़रूर देखना चाहती हूँ पीछे जाके। क्या बात है। तो अच्छा जी मेरे को भी ऑप्शन है कि पीछे जाए? मैं पता लगे टू भी पता लगे टू व्हीलर ही सी दो ही जा सकते सी उधर। मैं तो भाजी जे मैनू जाण दा मौका मिल के कुछ चेंज करन दा मौका मिले भी की चेंज करना तो जिथे इंसान वो जिहड़ा की सीगा लास्ट ते उहनूं की कहिंदे हुंदे ने जिथों असीं इंसान बणे सी स्टोनेज तो बाद जदों एक डेवलपमेंट असीं कहिंदे बांदा तों हौली हौली हाँ एवोल्यूशन जिथे जाके असीं इंसान बणन लगे सी मैं उत्थे दुनिया रोक दांगा कि नहीं यार जंगल च ही रहीए, मेरे गुआंढ च हाथी रहिंदा होवे, सामने चीते तुरे फिरदे होण, उत्ते मोर बोली जांदे ने, इधर कोयलां कूकदियां पईआं, उत्थों ही ताजे फल फ्रूट लै के खा रहे हैं। सच्ची दस्सिओ जंगल दे विच हाथी कोल लैपटॉप नहीं हैगा तो उहदा कोई नुकसान हो गया? जे मतलब दरियाई घोड़ा जिहड़ा जां ज़ेबरा दे कोल अज BMW नहीं हैगी तो की उहदा नुकसान हो गया? कोई किसी जानवर नूं कदी ऐनक लगी वेखी उहदी नज़र घट गई तो ऐनक ला के घाह फरोलदा? सो मैनू लगता वो लाइफ बहुत वधिया सी। आई एम सॉरी सारिआं ने कहना भी यार तू तो साडी मॉडर्न जिंदगी रोकन लगा पर जे मेरा वस चल गया मैं कदी चला गया मैं नहीं तुहानू इदां दा होण देणा। वो
ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਜੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਲਗੋ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬਣੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਲਣੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲਈ ਬਾਲਣੀ ਸੀ ਉਨੀ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਣੀ ਸੀ ਭਾਜੀ ਪਰ ਪੱਤੇ ਨਾ ਬਾਲ ਦਿਓ ਖਲੀ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਖਲੀ ਸਰ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਪੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਵ ਬਾਜਵਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਜੀ ਜ਼ਰਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਆ ਆਪਕਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਵ ਭਾਜੀ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਆਪਨੇ ਬਤਾਇਆ ਥਾ ਤੋ ਮੈਂ ਬਤਾਇਆ ਥਾ ਨਾ ਜੋ नजफगढ़ का किला है और सिर्फ सिर्फ मेरा होगा ये अपना बना रहे थे तो इसीलिए मैं पकड़ा है कि भाई नहीं 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 वही तो मैं बता रहा हूँ हाँ नहीं वो पूछ रहे ने कि जब तुम किसी के ऊपर सिर च मार दे हो ना वो डेढ़ फुट छोटा हो जाता है अच्छा कि आपने मैं चाहिए आपको तो आ जाए फिर आपको मार देता हूँ मैं यहाँ पर देखो यहाँ पर साइंस की गल नहीं बाद नहीं चलती अपने इसे अपने से चलती है मतलब सीधा ही मतलब आप चाहते हैं कि आपने बोलना कि बड़ा कर दो मेरे को तो बड़ा कर दो आप बोलते हैं कि छोटा कर दो तो छोटा कर दो सो इस पे मत जाओ आप पहले क्या था अब क्या होना है जो ये रेडियो रेडियो फिल्म आ रही है किस तारीख को 22 को बस इसको देखो आप और एंजॉय करो आप आप एम ही चक्कर में बड़े कि पीछे कब जाना है आगे कब आना है किसी ने ना पीछे देखो पता है मेरी बात सुनो समय ने ना तो तेरे को पीछे ले जाना ना आगे ले जाना ठीक है ये सब स्टोरियां है सब कहानियां हैं इस चक्कर में मत पड़ना कभी आपने फिल्म देखनी है विद फैमिली के साथ बात उसकी करनी चाहिए नहीं मतलब कि भाई उसने क्या किया आप नंगे घूमेंगे या आप कपड़े डाल के घूमेंगे 20 साल के बाद क्या करेंगे 100 साल के बाद क्या करेंगे कुछ नहीं होना ऐसी चलनी दुनिया और टिका के चलने दो जैसे चल रहा है जैसा माहौल हो ना ऐसा माहौल बनाना है एम ही मतलब सोची जाए नहीं यार 100-5000 साल के बाद क्या होगा कुछ नहीं होना ऐसे चलना है बहुत तरक्की होनी है क्या बात है आपने अगर पीछे देखो पीछे लोग ना भूखे मरते थे मैंने आपको सही बताऊंगा अगर देखो हमने बहुत मतलब ये भाई साहब ने तो बहुत पहले मतलब पता नहीं कहाँ से खोज के लाई स्टोरी पता नहीं किससे मतलब लेकिन अगर आप 100 साल के बाद देखिए ना 100 साल पहले ना पेट भर के रोटी नहीं मिलती थी मानते इस बात को नहीं मानते सही है ना पानी होता था पानी कहाँ होता था क्या 100 साल पहले जाके कितना अनाज उगता था अनाज उगता ही नहीं था पर क्योंकि मतलब हमारे पास टेक्निक ही नहीं थी तो अब देखो आप कितना अनाज उगता है पूरे वर्ल्ड को हिंदुस्तान के पास अपने लिए खाना ही नहीं होता था अब पूरे वर्ल्ड को हिंदुस्तान को तो मिलता ही है बहुत सारा सड़ता है और पूरे वर्ल्ड को देते सप्लाई करते है और आने वाले टाइम पे हमारे होते होते हिंदुस्तान नंबर वन बनेगा ये मेरी बात नोट रखना हमारा देश तरक्की पे है और तरक्की पे आगे और तरक्की करेगा और बस आप मतलब बाकी बातें छोड़ो आप थैंक यू हाँ वो तो मैं बताया 22 नवंबर को विद फैमिली आना है और फिल्म को एंजॉय करना है अगर आपको लगेगा भी यार मतलब हमारे 100 साल पीछे जाना चाहिए तो वो भी बता देना अच्छा वो भी आपकी थोड़ी सेटिंग कर लूंगा मैं आगे ट्रेलर वाला एक बार डायलॉग बोल दो आप ट्रेलर वाला एक डायलॉग बोल दो तो आज मैं तेरे को बताता हूँ डायलॉग अब ज्यादा डायलॉग मैं कोई हीरो थोड़ी हूँ मतलब डायलॉग सुनने तो हीरो से सुनो यार मेरे से डायलॉग मत सुनो मेरे से तो आप बोलोगे भी कहाँ से पकड़ना है ऊपर चकना है या नीचे रखना है पहलवान नड़िया गल्ला ने सवाल है पिछला पहला रेडुआ फिर रेडुआ रिटर्न है रास्ता बहुत लंबा तय तुसीं कीता है टाइम ट्रैवल दे विच ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਰੱਖੀ ਹੈ
मतलब गुरप्रीत घुग्गी ने कहा सी या बी एन शर्मा ने कहा सी भी यार रास्ता बड़ा लंबा है कभी बीबी नाल ले लिए आप भी रास्ता सौखा हो जू ये मैं ही कहा सीगा जी क्योंकि जित जिस घर च या जिस सभ्याचार च औरत नहीं होंगी उत्थे लोग डिसिप्लिनड नहीं होंगे क्या बात है भाजी थैंक यू ये तो तीन तीन ने भाजी दो तो इतने ने एक सतेंद्र सत्ती जी वो भी है जी 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 बहुत बहुत मुबारक जी तुम सारी टीम नू थैंक यू सर परमात्मा सुख रखे थोड़ी फिल्म नू और जरूर फिल्म नू पसंद करेंगे तुसी बहुत मेहनत की थी बहुत बहुत शुक्रिया तो क्या बात है भाजी थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सारी टीम का एंड थैंक यू सारे मीडिया का सो आप हम थोड़ी देर के वन ऑन वन कॉन्टीन्यू करेंगे एंड एक होर रिक्वेस्ट है कि अनाउंसमेंट है कि शाम को 6 बजे सारे कैमरामैन सारे चैनल्स के CP67 मॉल पहुँचे उत्थे थोड़े लिए एक बॉट का आप सरप्राइज रिवील करना सो शामी 6 बजे सारी टीम के नाल सारे चैनल्स के कैमरामैन एट CP67 उन्होंने बार जो एक बहुत वड्डा सरप्राइज रिवील होने वाला तुम सारे उत्थे पहुँचो यस हूँ आप 2-3 मिनट के वन ऑन वन करते हैं एंड उस तो बाद अपने सवाल जो भी कंटिन्यू करने कर सकते हैं थैंक यू सो मच